और एक सजेशन मेरे को आप लोगों से चाहिए कि भाई आप सभी किस टाइप का व्लॉग देखना चाहेंगे। ओ भाई, हम लीन नहीं मारेंगे भाई, एकदम लीन नहीं मारेंगे आज हम। मेरा चेन एकदम आखिरी पे और स्विंग। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो क्या हाल चाल है दोस्तों, आई होप कि आप सभी अच्छे हो गए। तो यार व्लॉग्स लेट आ रहे हैं, उसका दो रीज़न है, हम पहले ही बता देते हैं उसके बाद ही व्लॉग शुरू करते हैं। तो पहला कि यार मेरे पास बाइक नहीं था तो हम व्लॉग नहीं शूट कर पा रहे थे, और दूसरा कि भाई मेरा तबीयत भी ठीक नहीं था। तो जब बाइक था तो तबीयत ही ख़राब था, और जब तबीयत ख़राब था तो भाई ख़राब ही था। और यार नया साल शुरू हो चुका है, और नए साल के स्टार्टिंग में ही लोग मेरे को बहुत ज्ञान दे रहे जो कि ज़रूरत मुझे पैसों की है। और जो मेरा पहला व्लॉग था जो लास्ट ईयर हम रिकॉर्ड किए थे, उस पर इतना ख़राब रिस्पॉन्स देखने के बाद एकदम से डीमोटिवेट हो गए थे। हमको लग रहा था कि क्या कर दे भाई, इतना ख़राब रिस्पॉन्स आया ना, मतलब तीन दिन या दो दिन के बाद उस पर 100 views हुआ था। बहुत ख़राब यार, यूट्यूब एकदम से बजा रहा है भयानक। और नया साल है तो भाई इस साल तो एकदम मचाएंगे। और एक चीज़ और ये भी है कि भाई नया साल है तो कुछ खास बदलेगा नहीं, हम तो इसको बस नाम का फर्क बताएंगे, अलग नाम पर ही बच्चों, क्योंकि होना जाना कुछ है नहीं भाई। अब साल के शुरुआत में लगता है कि भाई इस बार तो फाड़ देंगे, कमाल कर देंगे, मचाएंगे, लेकिन साल खत्म होते होते तक लगता है कि क्या ही किए भाई, कुछ नहीं, हर साल का वही है। और आज राइड पे हम अकेले हैं भाई, आज हम सोच करके निकले थे कि सोलो राइड करेंगे, और लगभग एक महीने से ऊपर हम पतरातू नहीं गए थे, और आज का मौसम पतरातू जाने लायक ही है। पूरा धुंध है भाई, हर जगह धुंध है, बढ़ चुकी है इतनी धुंध कि फट गई है सबकी भोंट। तो सोचे कि क्यों ना पतरातू चला जाए, तो बस निकल गए हैं और पेट्रोल ले लेते हैं भाई, क्योंकि अभी मेरा फ्यूल पंप का हालत बहुत ख़राब होगा। देख रहे हो ब्लिंक कर रहा है, और रिजर्व पे भी है बाइक, ले लेते हैं पेट्रोल। दो सौ दस का दे दिया ना, पेट्रोल तो ले लिए, बट एक चीज है भाई, एक सेकंड हम रुक करके उसको कर लेते हैं पहले, ठीक। बाइक में बहुत ज़्यादा हवा है, बाइक कुछ ज़्यादा ही भाग रही है, और इतना ज़्यादा हवा रहना बाइक में ठीक नहीं है भाई। ये बात बड़ी क्यों है क्या, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि जब बाइक में हवा ज़्यादा होता है ना, तो बाइक ज़्यादा स्पीड पकड़ लेती है और ग्रिप भी लूज करती है थोड़ा रोड पर, इसलिए हवा प्रॉपर रहे या थोड़ा सा कम रहे तो चलेगा, ज़्यादा ठीक नहीं है। अलग बात है आप अगर किसी से ड्रैग रेस कर रहे हो और आपको चाहिए रफ्तार, तो भाई आगे पीछे हवा भर लो ज़्यादा और उठाओ आनंद। सामने वाला भी सोचेगा कि भाई ये बाइक में क्या घुसा करके आया है, कुछ ECU ट्यून किया है, क्या किया है। अब देखो मेरी आंखें जो देख पा रही है वो आपको दिखाई दे रही हो, इसका गारंटी तो नहीं ले सकते हम, बट यहाँ से मेरे को पिठोरिया पहाड़ एकदम ब्लर दिख रहा है, मतलब पूरा धुंध से ढका हुआ टाइप का भाई मौसम। तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। चलो यार थोड़ा स्पीड करो, अरे भाई ये क्या सीन है, ये देख रहे हो ट्रिपलिंग बैठा हुआ बेचारा पैर लटका करके, ऐसा लग रहा है अभी ब्रेक मारने वाला है। ओ भाई ताऊ आराम से, ओ भाई अरे 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 ओ भाई, हम लीन नहीं मारेंगे भाई, एकदम लीन नहीं मारेंगे आज हम। मेरा चेन एकदम आखिरी पे और स्विंगर, मतलब अभी टायर पूरा ऐसे ऐसे हुआ है मेरा,
पहले ही लीन में सोच रहे हो भाई, सब सिग्नल है, सब सब सिग्नल है भाई। डर गए हम, डर लग गया हमको। अब हम अभी सोच रहे थे कि वहाँ एकदम लिटा देंगे गाड़ी, एकदम लहरा देंगे, लेकिन अब नहीं करेंगे वैसा। और यार देखो, एक चीज़ हम बहुत दिनों से शेयर करना चाह रहे थे और बहुत टाइम से हम सोच रहे थे कि ये चीज़ शेयर करें, क्योंकि देखो हो क्या रहा है ना कि अभी YouTube बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है, मतलब इतना ज़्यादा डाउन चल रहा है ना कि कभी कभी लगता है कि यार छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पता नहीं YouTube रीच ही नहीं दे रहा है, और या तो रीच दे भी रहा है तो गलत ऑडियंस के पास चला जा रहा है। और हम अब सोचें कि अपने ब्लॉगिंग के स्टाइल को, अपने थंबनेल, मतलब कम्प्लीटली रीडिज़ाइन करेंगे, क्योंकि YouTube पुश नहीं कर रहा है तो हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट सब मारना पड़ेगा भाई। और ये देखो भाई, रांची में कहीं कश्मीर है तो वो यहाँ है। मेरे को तो पता नहीं कैमरा में दिखता भी है कि नहीं भाई, हमको तो दिख रहा है कि पूरा धुंध हो चुका है भाई। और अभी हम क्या बोले भाई, रांची में कश्मीर। न जाने कितने युवक शिकार हैं इन मादक पदार्थों का, कोई इनकी मदद क्यों नहीं करता। ये भी आप जैसे हैं, सस्ते नशे ना करें ना करने दें। और एक सजेशन मेरे को आप लोगों से चाहिए कि भाई आप सभी किस टाइप का व्लॉग्स देखना चाहेंगे, क्योंकि भाई अभी जो YouTube पे जो ट्रेंड करता है वो तो कर नहीं सकते हैं, सारे स्क्रिप्टेड वीडियोस और क्यूट गर्ल रिएक्शन, तो वो सब तो नहीं हो पाएगा भाई। उसके अलावा अगर आप कुछ कहोगे तो ट्राई करेंगे भाई लाने का आप सभी के लिए। इंजन ब्रेकिंग और हाथ और पैर का ब्रेकिंग, भाई ये कहाँ आ गए, भाई ये कहाँ आ गए। वो देखो देखो देखो, सांड बावली को देखो, बावली को भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं, भाई ये क्या हो रहा है भाई। ओह यहाँ से निकला जाए, और ये नज़ारा सचमुच हम पहली बार यहाँ से देखो, ये जो है ना हम पहली बार देख रहे हैं, यहाँ रुके ही पहली बार हैं हम, नहीं तो ऐसे तो आते हैं और निकल जाते हैं बस। फिर से वही हुआ जो पहले हुआ था, हुआ ही नहीं। नहीं होगा भाई ये सब इशारा है कि मत करो वीली, नहीं होगा तुमसे आज, आज के लिए ही सिर्फ। चलो एक बार तो हुआ, अब न्यूट्रल में ही नीचे चले जाएंगे। और यहाँ पर ये वो लोकेशन है जहाँ पे सब नी ड्रैग ट्राई करता है, हमको भी सीखना है, बट इतना फटती है ना भाई कि सीखने ही में टाइम लगेगा अभी फ़िलहाल तो। जब तक अपनी बाइक नहीं आती तब तक तो नहीं करेंगे भाई नी ड्रैग, क्योंकि अगर गलती से ये बाइक गिरी ना तो जो कभी कभी ब्लॉग बना भी रहे ना वो भी नहीं बना पाएंगे। लेकिन यहाँ आए हैं तो बिना अपना काम किए तो जाएंगे नहीं ना, एक दो तो बनता ही है। अभी तो हम अकेले आए तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि क्या ही करें, लेकिन वही अगर हम अपने स्क्वाड के साथ आ जाते ना तो ऑगी यहाँ पे इतना व्हीली मारता कि मतलब एक टाइम के बाद आप आरपीएम का आवाज सुनते सुनते इरिटेट हो जाते। लेकिन यार उसका भी बाइक जब से खराब हुआ है हम लोग निकल ही नहीं पा रहे भाई, क्या बोले। और मेरा पीछे का जो चेन ऐसे ऐसे डोल रहा है ना, चेंज प्रॉकेट तो चेंज करा लेना चाहिए हमको। वो तेरी देख रहे हो तेल गिरा हुआ है, लीन करेंगे ना तो लेट जाएंगे बाइक लेकर के। ओम जिमाम जिमाम बिंग बिंग बो तंग सस्ते न से तंग सस्ते न से तंग सस्ते न से। भाई आगे वाला बाइक देख रहे हो, अरे अरे ओहो
और जल्दी ही स्कॉट के साथ भी राइड करेंगे ऑगी का बाइक, बस और कुछ दिन लगने वाला है बनने में, उसके बाद फिर से तहलका मचाते घूमेंगे हम लोग। तो यार साल का ये पहला व्लॉग है जो हम इस साल ही रिकॉर्ड किए, तो यार इस पर थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स देना और कमेंट करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन में अपने आइडियाज़ ड्रॉप कर देना। मिलते हैं आपसे फिर से किसी नए से धमाकेदार से व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड राइड सेफ।